हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन का एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इज अल्फा। तो आज हम इज अल्फा के बारे में सीखेंगे, ठीक है। वी आर लर्निंग अबाउट इज अल्फा फंक्शन। इज अल्फा क्या नाम है फंक्शन का? इज अल्फा, इस तरीके से इज अल्फा लिखा जाएगा। और ये जो फंक्शन है वो इज अल्फा फंक्शन है, और इस तरीके से जो है इज अल्फा फंक्शन के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इज अल्फा। और ये इज अल्फा जो फंक्शन है ये क्या काम करता है, ये आपको बताता है कि दिया गया जो भी स्ट्रिंग है वो अल्फाबेट है कि नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया ए इज इक्वल टू, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बताएगा कि ये अल्फाबेट है कि नहीं, यानी ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट करके देगा यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू ए डॉट इज अल्फा, तो ये इज अल्फा मैंने लिख दिया है। और अब बी को प्रिंट करवा लेना है, तो यहां से जाएंगे रन करवाएंगे, तो ये बताएगा कि ये अल्फाबेट है या नहीं है। तो यहां पर देख सकते हैं ये ट्रू बता रहा है, यानी इसमें लिखे हुए कैरेक्टर्स ये अल्फाबेट हैं। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को, यानी एक ही स्ट्रिंग के अंदर कई सारी चीजें लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने सूरज इज माय नेम, तो यहाँ पर ये फॉल्स में इवेल्युएट करेगा रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिख दिया सूरज इज माय नेम, तो ये फॉल्स में आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बता रहा है फॉल्स, ठीक है। तो ये इज अल्फा इस तरीके से काम करेगा, ये अल्फाबेट को पता करने के लिए है, ठीक है।